आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस वन ऑफ देम ऑफ स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ is called objective and other of slightly larger aperture and slightly larger focal length is called eyepiece both the lenses are fitted in a tube with an arrangement to vary the distance between them a tiny object is placed in front of objective at distance slightly greater than its focal length the objective produces the image of object which act as an object for the आई पीस द आई इन टर्न प्रोड्यूसेस द फाइनल मैग्नीफाइड इमेज द मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाइंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपऑन ऑप्शन गिवन है द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस द लेंथ ऑफ ट्यूब द कलर ऑफ लाइट यूज तो देखिए इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो देखिए इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ ये देखिए मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्मेशन होता है एक तो हमारा कैपिटल डी डिस्टेंस पर होता है कैपिटल डी क्या है है मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ना और एक होता है इन्फेनाइट पर तो ये दोनों कंडीशन का मैंने डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कैस, कैसे कैसे इमेज बनता है ठीक है तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया इसके डिस्क्रिप्शन में ना ये दो लेंसों से मिलके बना होता है एक लेंस आप देख रहे हैं इसका अपर्चर और जो फोकल लेंथ होता है बहुत छोटा होता है और दूसरे का जो अपर्चर और फोकल लेंथ बड़ा है तो जिसका छोटा है फोकल लेंथ और अपर्चर इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और जिसका फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ा है ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं आईपीस तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ छोटा होता है जबकि आईपीस के लिए फोकल लेंथ बड़ा होता है ठीक है और इसका अपर्चर भी बड़ा है आई का जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर छोटा है ठीक है अब इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कोई यहाँ से टीनी ऑब्जेक्ट कोई रखा है माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करके दिखाना है तो ये जो टीनी ऑब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्टिव लेंस से जो होता है ना इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर रखा जाता है ठीक है तो ये जो इसकी दूरी है U नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ से जो इमेज मिलेगा ठीक है ऑब्जेक्ट का तो ये देखिए इसका जो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा तो यहाँ पर इमेज मिलेगा ठीक है ऑब्जेक्टिव लेंस से तो ये इमेज जो है ना आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा ठीक है फिर इस आउब, इमेज का देखिए आईपीस के थ्रू यहाँ पर इमेज जनरेट होगा और इस इमेज को हम लोग आईपीस के थ्रू देखते हैं यहाँ से तो हमको दो कंडीशन में यहां इमेज प्राप्त होते हैं एक तो अगर हम कैपिटल डी डिस्टेंस पर प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर इंफिनाइट पर इमेज प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो इसी के बारे में यार डिस्क्रिप्शन दिया गया है अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि मैग्निफिकेशन जो होता है है हाँ ना माइक्रोस्कोप का कंपाउंड माइक्रो किस पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या है ना इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं तो क्लियर होगा ठीक है तो पहला कंडीशन क्या है अगर केस वन लेता हूँ ठीक है केस वन में अगर इमेज जो बनता है ठीक है इमेज जो है कैपिटल डी पर बन रहा है ठीक है एट कैपिटल डी कैपिटल डी मतलब क्या है मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होता है तो इस केस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको क्या मिलता है यहाँ पर मिलता है माइनस वी नॉट यू नॉट वन प्लस डी प्लस एफ ई तो वी नॉट क्या बता रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज जनरेट हुआ है ठीक है ठीक है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज जनरेट होगा ठीक है उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट किया हमने ठीक है यू नॉट क्या है जो टीनी ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस है कैपिटल डी मैंने बता दिया 25 सेंटीमीटर एफ ही क्या है आई पीस के लिए फोकल लेंथ ठीक है अब अगर हम लोग केस टू की बात करें केस टू में क्या मिलता है इमेज जो होता है ना इमेज क्या बनता है एट इंफिनिटी पर बनता है ठीक है तो इस केस में एम हमारा क्या मिल जाता है माइनस वी जीरो बाई यू नॉट या यू जीरो डी बटा एफी e. अब ये देखिए आपको ये दोनों फॉर्मूला यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है ये दोनों फॉर्मूला आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अब यहां से आप देखिए पहला यहां पर बोला है ऑप्शन में कि अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आईपीस का जो अपर्चर है ठीक है तो आई पीस का अपर्चर क्या होता है इसका जो व्यास बोल सकते हैं डायमीटर जो बोलते हैं ना तो आईपीस का ये जो डायमीटर और हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर होगा ठीक है तो इस पर डिपेंड करता है कि नहीं ये तो हमारे फॉर्मूला में आप देखिए कहीं पर भी इसमें अपर्चर वाला टर्म यहां पर कहीं पर भी आपको शो नहीं हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या है ना ये अपर्चर पर डिपेंड यहाँ पर नहीं कर रहा है मैग्निफिकेशन ठीक है तो ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बी बोला है द फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव आईपीस डिपेंड कर रहा है ठीक है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि यहां से आप जब वी ओ का वैल्यू निकालोगे ना तो वन अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन वी नॉट माइनस वन अपॉन यू नॉट ये फॉर्मूला यूज करोगे ठीक है तो वन अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू वन प्लस एफ नॉट प्लस वन अपॉन यू नॉट तो यहां पर देखिए एफ ओ टर्म आएगा ठीक है तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है ठीक है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के फोकल लेंथ पर लेंथ ऑफ ट्यूब ठीक है लेंथ ऑफ ट्यूब पर ये डिपेंड करता है कि नहीं देखिए लेंथ ऑफ ट्यूब जो है ना लेंथ ऑफ ट्यूब है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकता है एफ ओ और एफ यू तो देखिए लेंथ ऑफ ट्यूब एफ ओ और एफ यू के समेशन से ही तो मिल रहा है ठीक है तो इस पर भी निर्भर करेगा ठीक है तो सी भी यहां पर आ, हमारा ऑप्शन नहीं होगा ठीक है डी कलर ऑफ लाइट यूज्ड तो देखिए कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा कि नहीं देखिए जो एफ ओ है और एफ ई है ये दोनों क्या है ना डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट ठीक है डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ ऑफ लाइट तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए देखिए फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और ये जो हमारा आई पीस के लिए जो फोकल लेंथ मिलेगा वो डिफरेंट होता है ठीक है तो इसलिए क्या होगा कि ये देखिए एफ ओ और एफ ही पर तो डिपेंड कर ही रहा है मैग्निफिकेशन तो कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करेगा ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर